नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन 60 लाख रुपए की मदिरा को रोल रोलर चलवाकर किया गया नष्ट। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आबकारी विभाग का जब्तशुदा मदिरा नष्टीकरण की कार्यवाही वर्ष 2020 के उपरांत मदिरा विनष्टीकरण की कार्यवाही नहीं हुई थी। इस तारतम्य में रायसेन जिले के समस्त वृत्तों में संग्रहित निर्मित प्रकरणों की मदिरा का नष्टीकरण करने हेतु समिति गठित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे द्वारा गठित नष्टीकरण समिति के मनोनीत सदस्य एसडीएम रायसेन मुकेश सिंह, सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पांडाई एवं सहायक जिला आबकारी सुदीप तोमर के नेतृत्व में गठित समिति के सदस्यों द्वारा 1 अक्टूबर को दोपहर 1:30 पर स्थान ग्राम पठारी शासकीय भूमि पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विनष्टीकरण ग्राम पठारी शासकीय भूमि पर फैलाकर विधिवत रोडरोला चलवाकर नष्ट किया गया। कार्यवाही की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मौके पर कराई गई। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।